नमस्कार बोल रहे सभी देशवासियों को अन्ना जी का नमस्कार। और मैं आपसे ये बोलेगा कि देखिए, एक व्यक्ति जो जिसकी आंखें नहीं थी उसको संजय का सहारा दिया था। याद है महाभारत के टाइम पे संजय था, वो दूर तक देखता था, याद आया। अब एक संजय एक और है जिसको दूर तक देखना था, उसने दूर तक देखा और केजरीवाल की पार्टी को कर दिया। और अब बड़े दिनों में, मतलब थोड़े दिनों में, एक बड़ा खुलासा मुझे लगता है वो कर देगा कि अब वो भी अपनी जिंदगी में कमल खिलाएगा। मुझको तो यही डील लगती है, वरना इतनी जल्दी ये भी बाहर नहीं आता, क्योंकि काम तो इसने भी कम नहीं किए। तो आप देखिए, एक तरफ संजय संजय सिंह, उसका वजन बढ़ा, और दूसरी तरफ केजरीवाल का वजन घटा। केजरीवाल तो बोलता है मेरी आत्मा भार है, मेरा शरीर अंदर है। अरे तेरा शरीर भी क्या करना, तेरा शरीर को त्यागना, आत्मा रहने दे, घूमते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन सब झमेलों के बीच में संजय वाकई में सिंह साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने इसकी पार्टी को छोड़ दिया कि चल भाई तो साइड हो जा। और अब आप देखिएगा, थोड़े दिनों में ये नए रंग रूप में दिखेगा आपको, बाबूजी पी। मतलब बीजेपी में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को अंदर से एक फीलिंग आ रहा है कि शायद ये ज्वाइन कर लेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं बोला मेरे को लगा, इसलिए आपको बोला। नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, कीचड़ में से तो निकल गया ना। अब जा करके अपने आप को सुरक्षित करो, अपने आप को लोगों के लिए समर्पित करो, और उसके बाद वोट मांगो, नोट मांगो, कुछ और मांगो, सब मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम्हारा बेस ही गलत है तो किस तरीके से कर पाएगा काम? फिर तो वही जैसा सिसोदिया गंजा बंद है, उसके साथ में जैनी बाबा बंद है, उसी तरीके से केजरीवाल भी बंद है। और ये बंद भी होता बहुत दिन तक, पर इतने समझदारी दिखाई, इसके ऊपर संजय का, जो पुराना संजय था, उसकी दृष्टि आई। उसने लॉन्ग टर्म देखा, आगे तक का देखा, और अपने आप को उस तरीके से साफ सुथरा करके निकल गया। एक चीज तो कंफर्म हो गई केजरीवाल को, इसका डर था कि संजय ने बन जाए सीएम। उसने कहा तू साइड हो, तो खुद नहीं रहेगा तो मेरे कहे था। अब तो बीवी के लिए बड़ा प्यार आ रहा है, कह रहा है मेरी बीवी को मैं सीएम बनाऊंगा। और बीवी भी उछल उछल के बोल रही है कि आई एम दी ओनली वन हु कैन बी दी सीएम ऑफ दिल्ली। उफ़ो, शीश महल की रानी, पीती दूध बताती पानी, पीती कुछ और बताती पानी, ठीक है। और उसके बाद अब केजरीवाल की नई कहानी, मेरी बीवी सबसे सयानी। अरे देखो यार, ठीक है भैया, ठीक है। एक बार तो बीवी से भी डर रहा था कि कहीं ये ना हो कि सब कुछ हड़प करके और ये अपना केजरीवाल जी को नमस्ते कर दे, पर नहीं, उसने नहीं किया। चलो ठीक है, हिंदुस्तानी औरत है, बिटिया है, अपने पति का साथ दे रही है, उसका फर्ज है साथ देने का। पर फर्ज तो उनका भी है जो अंदर बैठे हुए हैं, कि दिल्ली के लिए भी कुछ करना था, पंजाब के लिए भी कुछ करना था, अपने बुजुर्ग के लिए भी कुछ करना था। पर कोई बात नहीं, लाठी अपना काम कर रही है और आपके अलग अलग जगहों को सजा रही है। उसको अपना काम करने दो, आप अपना काम करते रहो। और जहां तक आपकी वाइफ का सवाल है, मैं बोला जिस दिन तेरे को धोखा मिलेगा ना, तो ऐसा धोखा मिलेगा, ऐसा धोखा मिलेगा कि तू चौराहों खाने चित हो जाएगा। मैं तो फिर आज इस उम्र में उठ करके खड़ा हो गया हूँ, लेकिन तू खड़ा नहीं हो पाएगा। लिखवा ले, ये एक बुजुर्ग का श्राप है तेरे को तो शराब ही सुनाई दे रही होगी, श्राप, समझा? चलता है, मैं बहुत देर हो गई तेरे से बात करते करते, तेरे से तो बात करने का भी मेरा मन नहीं करता है। कि जो और सब चीजों की तो बात दूर की है, तूने मेरे को 5 सितंबर को टीचर्स की बोतल भेजी थी ना, सर जी आज टीचर्स डे है, ले लो। अब देख वो बोतल मैं कहाँ देता हूँ, ठीक है? आराम से रहना बेटा, जेल में ही रहो, ठीक है? बाय, नमस्कार बोल रहे।